नमस्कार, मैं हूँ खुशबू और बोल स्काई में आप सभी का स्वागत है। माँ बनना दुनिया में सबसे अनमोल सुख होता है, एक ऐसा सुख जिसे शब्दों में भी बयां नहीं किया जा सकता। बच्चे के आने से न सिर्फ परिवार पूरा हो जाता है, बल्कि माँ बाप की खुशी का ठिकाना नहीं होता। हालांकि डिलीवरी से पहले का वक्त काफी दुख वाला होता है। 9 महीने तक बच्चे को कोख में पालने के दौरान गर्भवती महिला को तमाम तरह की मुश्किलें झेलनी पड़ती हैं। खाने पीने से लेकर उठने बैठने, यहाँ तक कि मूड में भी परिवर्तन आ जाता है। हालांकि प्रेगनेंसी के दौरान कुछ ऐसी स्थितियाँ होती हैं जिन्हें करीबी से मॉनिटर करना और तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना बहुत जरूरी हो जाता है, नहीं तो कुछ बड़ी मुश्किलें हो सकती हैं। हम आपको गर्भावस्था में दिखने वाले कुछ ऐसे लक्षणों के बारे में बताएंगे जिसमें जल्द से जल्द डॉक्टर को दिखाना चाहिए। प्रेगनेंसी में मॉर्निंग सिकनेस होना यानी उपकाई या चक्कर आना आम बात है। इससे बार बार परेशानी तो हो सकती है, लेकिन कोई खतरा नहीं होता। लेकिन अगर बहुत ज्यादा उल्टियां होने लगे और कुछ भी खाते ही सब बाहर आ रहा है तो डॉक्टर को तुरंत दिखाएं। ऐसा इसलिए क्योंकि अत्यधिक वॉमिटिंग की वजह से शरीर में पानी की कमी हो सकती है, जो कि बच्चे के लिए सही नहीं है। अगर प्रेगनेंसी को 3 महीने भी नहीं हुए हैं और पेट के दोनों तरफ तेज दर्द और ऐठन हो तो फटाफट अल्ट्रासाउंड कराना चाहिए। इससे डॉक्टर को ये पता चल जाएगा कि कहीं आपको एक्टोपिक प्रेगनेंसी तो नहीं। एक्टोपिक प्रेगनेंसी एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें भ्रूण यूट्रस के बाहर ही अटैच हो जाता है, यानी प्रेगनेंसी यूट्रस के बाहर फेलोपियन ट्यूब में होती है। डिलीवरी डेट नजदीक होने पर अत्यधिक डिस्चार्ज हो तो इसका मतलब है कि वाटर बैग फट चुका है और तुरंत हॉस्पिटल ले जाने की जरूरत है। लेकिन अगर यही डिस्चार्ज डिलीवरी से 3 से 7 हफ्ते पहले होने लगे तो गंभीर परिणाम हो सकते हैं। ऐसी स्थिति में जल्द से जल्द डॉक्टर से मिलें। गर्भावस्था में अगर ब्लीडिंग किसी भी वक्त होने लगे तब भी डॉक्टर को दिखाना चाहिए। ब्लीडिंग अगर दूसरे या तीसरे ट्राइमेस्टर में हो तो इसका मतलब है कि प्लेसेंटा फट गया है। लेकिन ये भी समझने की जरूरत है कि पहले 3 महीनों में गर्भावस्था में थोड़ी बहुत स्पॉटिंग होती रहती है। गर्भावस्था के शुरुआती 3 महीनों में सिर दर्द होना आम बात है। इसके अलावा जैसे जैसे गर्भावस्था आगे बढ़ती है वैसे वैसे शरीर के विभिन्न हिस्सों में सूजन आने लगती है। लेकिन यही सिर दर्द दूसरे या तीसरे ट्राइमेस्टर के दौरान हो, हाथों और चेहरे पर सूजन आ जाए तो हो सकता है कि आप प्री एक्लेम्पसिया की गिरफ्त में हो सकती हैं। ये हाई ब्लड प्रेशर से संबंधित एक ऐसी स्थिति होती है जो गर्भावस्था में ही सामने आती है। इसमें आंखों की रोशनी थोड़ी कम हो जाती है। अगर यूट्रस में बच्चे की मूवमेंट फील ना हो तो सबसे पहले एक ग्लास फ्रूट जूस पिएं। इससे शरीर में शुगर का स्तर बढ़ जाएगा और बेबी का मूवमेंट शुरू हो जाएगा। इसके बाद भी कोई फायदा ना हो तो डॉक्टर को जरूर दिखा लें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह की अन्य जानकारियों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।